सुबह 8 बजे से प्लान बना हुआ है, 8 नहीं 6 बजे से। अच्छा सॉरी 6 बजे से प्लान बना हुआ है, 9 बज चुके हैं अभी तक, यहीं पे बैठे हैं अभी तो। ट्रैक से भी हम 20 किलोमीटर दूर हैं। क्या हाल है? सभी बढ़िया। पीर कहाँ जा रहे? पंजाल। अपना ट्रैक स्टार्ट यहीं से करेंगे, तो सामान वगैरह सब अनलोड कर दिया है, तो वहाँ ऊपर जो पीक देख रहे हो आप, वहीं पे डेस्टिनेशन है हमारी। प्रक्षित भाई क्या मूड है, जाओगे कि नहीं? पहला एडवेंचर। एक घंटा हुआ ट्रैक करते हुए, तो आगे पीछे जगह तो बहुत अच्छी है, बट क्या है कि मैंने जैकेट भी पहन ली हुई है क्योंकि बैग में जगह नहीं थी, तो कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी थी। स्टीप काफ़ी बढ़ती जा रही है, और जो जिस जगह अभी हमें, ये इस जगह का नाम है रिचवाली, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इसके बारे में मेंशन किया था जहाँ हम लोगों ने लास्ट ईयर अपना फर्स्ट डे किया था। इसके बाद हम यहाँ से ऊपर जाएंगे थम्मल की तरफ, वो आपको पीछे धुंध में दिख रहा होगा, उस जगह को कहते हैं थम्मल। तो फर्स्ट डे हमारा शायद वहीं पर स्टे रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं, तो इससे ज़्यादा हम आगे जा नहीं पाएंगे। ये जो सब्ज़ी है, इसे ये आप देख रहे हो, ये जो करली करली सी, इसे कसरोड़ भी कहा जाता है, और लोकल लैंग्वेज जो यहाँ की पहाड़ी है उसमें इसे कंडोर कहा जाता है, कंडोर सब्ज़ी। तो ये इसका प्लांट है, ये वाला कंडोर या कसरोड़ आप जो भी इसे बोल सकते हो। इसका अचार या इसकी सब्ज़ी जो होती है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, अभी भी हम लोग थम्मल नहीं पहुँचे, मतलब अबाउट 1 घंटे का रास्ता अभी भी है या 40 मिनट्स का। बादल आ रहे हैं काले काले ऊपर की तरफ से, और धुंध भी आ रही है वहाँ पीछे वाले की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा धुंध आना शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है। बहुत आ गया यार, ठंडा है यार। कैसा है पानी का टेस्ट? बताओ। सो आकिब, कहाँ रह रहे हैं हम आज, दिखाना ज़रा। हमारा 5 स्टार स्टे। पहले तो व्यू देख लो आसपास का। पहले ये दारा नहीं था ना, हम यहाँ रहते थे, देखो इधर वहाँ रहते। तो लोकल लैंग्वेज में इसको ढारा कहते हैं। तो पत्थर और लकड़ी से बना होता है, ये टेम्परेरी हाउसेज होते हैं ये लोगों के जो यहाँ पे आते हैं। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2। अभी सुबह सुबह उठ के हम लोग अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, और 6 बजे के आसपास का टाइम है, और इसके बाद हम चलेंगे आगे। कुछ रात को कुछ वारदातें हुई हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग तो मरते मरते बचे रात को। यो क्या बनाया हुआ है? कुकड़ बनाया हुआ है। कुकड़ है। टीम तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं सब लोग मेरे कुछ बढ़ के। बट ना एक चीज़ से थोड़ा डिसअपॉइंट है, ये जो जैसे ही आप देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक यार, जो भी लोग ये वीडियो देखें ना, प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ आते हो कभी घूमने या कुछ करने, तो ये गंद मत डालें यहाँ पे। आज हम लोग थम्मल से निकले, और मे भी शायद शक्करबाग में हमारी डेस्टिनेशन होगी, बट अगर हम 12 बजे या 1 बजे तक पहुँच गए वहाँ, तो हम लोग वहाँ से नेक्स्ट आगे निकल जाएंगे जंजवाली की तरफ। तो मैं भी शायद हम, या अगर हम लेट हो गए तो शक्करबाग रुकेंगे, अगर जल्दी पहुंच गए तो जंजवाली रुकेंगे। तो रास्ता काफ़ी स्टीप है और थोड़ा मुश्किल है ट्रैक, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, और अभी तो सुबह के 8-9 बजे के बीच का टाइम है।
व्हाट्स अप आकिब। हाय दोस्तों। हाय गाइस। पेड वाली ये इस पूरे ट्रैक का सबसे आई थिंक डिफिकल्ट पार्ट है। आप स्लोप देख लो, आई थिंक 75 डिग्री की स्लोप है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और टाइम लैप्स बनाना था क्योंकि जो अभी धुंध आ रही है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें आगे भी पहुंचना है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शक्कर मार्ग में। फिलहाल हम लोग धुंध के हटने का वेट कर रहे हैं। धुंध हटे तो हमें थोड़ा सा रास्ता पता लग जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं शक्कर मार्ग में, बस किसी एक एंड पे बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा एंड पे। फिलहाल यहाँ धुंध पड़ी है, जैसे धुंध हटेगी यहाँ का आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। प्रेक्षित भाई कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था मैंने इस ट्रैक को। ओके। पर बिलीव मी, अगर ये एक्चुअली करना चाहते हो तो पैशन चाहिए, सिर्फ सोच के कि ट्रैक करना है और मज़े के लिए वो नहीं है, इसमें एक्चुअल ट्रैकिंग है। 70 डिग्री एवरेज स्लोप अगर ऊपर पहुँचना है, सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही है। ताबिश यार तू बता, तेरा भी फर्स्ट टाइम है, तेरा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ का? हाँ यार वही है, मोर देन एक्सपेक्टेड। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं इजी समझ रहा था पहले, तो कुछ पॉइंट्स बीच में ऐसे थे हाँ। जहाँ पे लग रहा था कि बस अंतिम समय आ चुका है। सो आकिब, फाइनली हमें आग मिल गई आज। बहुत मुश्किल से, काफ़ी मुश्किल से हम लोगों ने आग जलाई है, लकड़ियाँ ढूंढी है। सीरियसली? एक्चुअली ढूंढी नहीं है, भीख मांगी है आसपास से, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाई। और यहाँ पे जो बर्तन धो रहे हैं ताबिश, काफ़ी मेहनती इंसान है, हर जगह बर्तन यहीं धो रहे हो आपको मिलेंगे। तो ये जो पानी आप देख रहे हो जिससे धो रहे हैं, ये ग्लेशियर से आ रहे हैं। आई एम द इंचार्ज ऑफ कुकिंग सेक्शन, किचन सेक्शन, सो दिस इज माय पार्ट ऑफ जॉब। तो ये क्या बावर्ची के साथ साथ बर्तन भी खुद ही धो लेते हैं? और यहाँ पे मैक्सिमम जो पानी का सोर्स है वैसे ग्लेशियर से ही निकल रहा है। वहाँ पार सामने भी जो पानी की वहाँ पे आपको दिख रही होंगी, पानी जहाँ से जा रहा है ये भी ग्लेशियर का ही पानी है सारा। इस वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी होता है। तो अभी सुबह हम लोग सेथी से निकले थे, अभी हम जंजवाली जा रहे हैं। तो रास्ते में प्लेन सा एरिया आ रहा है, यहाँ पे हम लोग रुके थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ का व्यू जो आगे पीछे का है काफ़ी अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह बना लेते। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, क्योंकि ट्रैक की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और क्लिप्स मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगा।
ये जो आप मेरे यहाँ पीछे देख रहे हो ये जो चीज़ें, इन लोगों को यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि ये जिन की खारी है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो जिन है वो यहाँ पे हल जोतते, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसके पीछे कुछ और साइंटिफिक रीजंस होंगे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, हो सकता है पानी निकलता हो, बट जो हमें लोगों ने बताया हमने वो आपको बता दिया है। बट ऐसे यहाँ कुछ मानने का नहीं है, कोई जिन छिन दिखा नहीं, हमसे ही बड़ा यहाँ कोई जिन अभी फ़िलहाल है नहीं। तो तीन जिन तो यहाँ नीचे लेटे हुए हैं। तो अभी हम लोग ना जंजवाली से निकले हैं अपनी फर्स्ट लेक देखने, जो कागल सर है। तो रास्ता जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पीछे देख लो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि हालत ख़राब होगी। चलो ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि सभी ने जैकेट्स वगैरह पहनी है, वार्मर सभी के पास हैं, बट रास्ता बहुत ख़राब है। थोड़ा सा ये देख लो, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ। और फाइनली हम लोग पहुँचे हैं कागल सर पर, हमारी फ़र्स्ट अल्पाइन लेक है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर की। बट ये लेक जो है अभी फ्रीज़ है, क्योंकि अभी भी यहाँ ठंड है। और आप देख सकते हो ऊपर धुंध भी है काफ़ी ज़्यादा, आसपास धुंध हो चुकी है, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम है। पता नहीं कि बारिश होगी या नहीं होगी। वाह, आप समझ सकते हो ना, चिल कर रहे हैं सब लोग। यहाँ धूप लग गई है वापस, धुंध ख़त्म हो चुकी है। ये भी हाइबरनेशन में चलेंगे कुछ घंटे के लिए। तो अभी हम लोग टॉप पे आ गए हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यही है कागल सर। अभी ये बर्फ़ ही आगे पीछे इसके, तो फ्रोज़न है टोटली। इसके बाद हम जंजवाली जा रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं जंजवाली, ये हमारी सेकेंड अल्पाइन लेक है आज की। और यहाँ की एक स्टोरी फेमस है कि यहाँ पे एक बारात थी, वो पूरी तरह से पत्थर में बदल गई थी। एक्चुअली मैं ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे नहीं मिला, बट फिलहाल ये लेक भी फ्रोज़न है, और कुछ खास उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कागल सर अच्छी है। बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि आपको सारी लेक्स दिखा दें एक एक करके। ये ताबिश है, ये यहाँ पे स्पेशली बारात देखने आए हैं। हाँ। जंजवाली ताबिश, आपको बारात मिली कहीं पे? मुझे मिल नहीं रही, मेरे को देख रहा हूँ मैं, कहीं घोड़ा हो कहीं बैंड वाले, कहीं मिल नहीं रहे। वो तेरे को मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि तेरे को किसी ने एक ना स्टोरी सुना के बेवकूफ़ बना दिया। और यहाँ आने से पहले ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बचपन से सुनते आ रहे हैं यार। एक्चुअली मैं तो आगे चल, वो लेक के बीच में शायद बारात हो सकती है। तो आप यहाँ पे जब आते हो पूरे साल में, साल में कितने टाइम के लिए यहाँ पे आते हो? तीन महीने के लिए। तीन महीने के लिए? तीन महीने के लिए ये लोग साल में यहाँ आते हैं। और कौन सा ये सीज़न, जब गर्मी का टाइम होता है? हाँ, गर्मी का। तो आप अपने साथ अपना माल मवेशी लाते हैं? माल मवेशी। तो यहाँ जो आप माल मवेशी लाते हैं, उसमें कोई खतरा वगैरह हो? खतरा रिच का खतरा है, जानवर का खतरा बहुत। अच्छा। बहुत खतरा, मतलब भालू शालू? हाँ, भालू आता है ना, उसका खतरा बहुत। तो ये जो कुत्ते वगैरह होते हैं, सब प्रोटेक्शन के लिए? हाँ, प्रोटेक्शन के लिए, ये पता देता है ना। ओके ओके। तो बाकी अभी तक ऐसा यहाँ कुछ इस एरिया में हुआ है आपके आस पास? जब नहीं, जब मतलब पहले से हो रहा है? पहले से। तो खाने पीने का जो वो कैसे करते हो? हम घोड़े से सिखाए थे, नीचे से? नीचे से, गांव से। तो महीने का लाते हो या महीने का? महीने महीने का राशन आप नीचे? महीने का लाता, फिर महीने के वापस उतार। अच्छा, महीने महीने के बाद आप नीचे से अपना राशन लाते हो तीन महीने के लिए? तीन महीने के। तो आपके साथ पूरी फैमिली आती है या? नहीं नहीं, हम खुद आते हैं। सिर्फ मेल, मतलब मर्द लोग आते हैं? मर्द आते। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ द ट्रैक, आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। अभी हम लोग जो नंदन सर की तरफ निकले तो है, तो यहाँ पास में नदी की आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पीछे जो नदी है, इसे क्रॉस कर रहे थे हम लोग अभी, और कपड़े मेरे गीले हो गए, शूज़ वगैरह सब कुछ, तो थोड़ा पाँव स्लिप हो गया था। हम लोग डेढ़ घंटे से ट्रैक कर रहे, अभी भी हमें दो घंटे और या ढाई घंटे और लग सकते हैं नंदन सर तक पहुँचने के लिए। चलिए आगे निकलते हैं। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो पीछे के सामने, ये देरा गली का रास्ता यहाँ से जाता है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ सामने एक स्ट्रीम नीचे आ रही है यहाँ पे, ये नील सर का रास्ता यहीं से ऊपर जाता है।
आप भैया हमें सारी लेक्स के नाम बता दो और इनकी डायरेक्शन बता दो। ये है डिंग सर। डिंग सर, ओके। ये है पाग सर। पाग सर, ठीक। इसके पीछे कटोरिया। यहाँ पे पाग सर है और इसके पीछे यहाँ कटोरी सर है, ठीक। ये जो नील सर है। नील सर यहाँ पे है, ओके। इसके पीछे कार्ल डेस्नी और उससे आगे नंदन सर है, ठीक है। थैंक यू भैया। भैया आपका नाम क्या है? ठीक है, ये मैंडर से मोहब्बत अली भाई। ठीक है भाई, चलते हैं। वो जो ऊपर है वहाँ पे कटोरी सर से पानी आ रहा है और यहाँ नीचे आप देखो एक स्ट्रीम बनी हुई है, पाग सर तक आ रही है। एक बार फिर से आप देख लो कितनी। उधर ऊपर की तरफ है कटोरी सर वहाँ पे, और यहाँ पे भी आसपास काफ़ी ग्लेशियर्स हैं, इस वजह से बर्फ़ है और हमें बर्फ़ में से क्रॉस करना पड़ रहा है। सो फाइनली वी आर एट कटोरी सर। काफ़ी बड़ी और सुंदर दिख रही है। वाह, एक तो ये फ्रीज भी नहीं है और काफ़ी बड़ी लेक है और गहरी भी काफ़ी ज़्यादा है। लोग ना नंदन सर से भी 700-800 feet ऊपर है इस पीक के ऊपर, और यहाँ से इस डायरेक्शन के नीचे जो कटोरी सर है और दूसरी डायरेक्शन में नंदन सर और कार्ल डेस्नी है। तो अभी हम कटोरी सर की तरफ से आए हैं और अभी हम नंदन सर की तरफ जाएंगे, बट काफ़ी ज़्यादा फॉग आ गई है इस वजह से हम थोड़ी देर रुक गए यहाँ पे। जैसे थोड़ी सी फॉग कम होगी हम आगे निकल पड़ेंगे यहाँ से। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, आज मैं सचमुच में आसमान की ऊंचाइयों पे हूँ। तो वो है पीछे हमारे कार्ल डेस्नी और अब हम निकले हैं नंदन सर की तरफ। हार्डली 15-20 मिनट का रास्ता है बट जल्दी पहुँच जाएंगे। चलिए वहाँ मिलते हैं फिर। फाइनली हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि नंदन सर पर पहुंच गए हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हो सबसे बड़ी लेक है यहाँ की नंदन सर, और जो दूसरा एंड है वहाँ पे उसके आगे कश्मीर डिविजन स्टार्ट हो जाता है शोपियां डिस्ट्रिक्ट से। इस साइड पे जो है ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। और बाकी टीम तो इस टाइम फोटोग्राफ पर लगी है। लंच हम लोग यहीं पर करेंगे और उसके बाद हम यहीं से लंच करके वापस निकलेंगे। अभी हम लोग सुखसर के पास पहुँचे। सुखसर को सुखसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो पीछे है ये सुखसर यही है। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ सुखसर पे आया था तो यहाँ का पानी बिल्कुल मतलब सूखा हुआ था, और ये जो रास्ता यहाँ वाला है इधर से हम लोगों ने क्रॉस किया था, बट इस बार ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक इसमें पानी ही पानी है। तो मैं लास्ट ईयर का फोटो ये रहा, इसमें आप देख सकते हो। तो लास्ट ईयर और इस साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शायद अभी ग्लेशियर्स अभी पिघलना शुरू हुए हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो, बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है यहाँ पानी 1-2 महीने में यहाँ पे सूख जाएगा। दिस इज़ नील सर जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। ये कि हर तरफ इसके आसपास बैठने की जगह है और काफ़ी बड़ी भी है ये, नॉर्मली बाकी काफ़ी सारी लेक से ज़्यादा बड़ी है ये लेक। ये जो घर टाइप का आप देख रहे हो इसे बोलते हैं ढारा लोकल लैंग्वेज में यहाँ की। ये टेम्परेरी हाउसेज होते हैं नोमैड्स के। आप देख सकते हो कि हर तरफ पत्थर से बना हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन में मोस्टली जो है वो सिर्फ जो पत्थर है वही यूज़ होता है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ हर तरफ पत्थर यूज़ हुआ है। इवन की छत जो है ये छत भी पत्थर से ही बनी है, और इसकी यहाँ सपोर्ट जो है इसमें लकड़ी है, और पिल्लर्स भी इसके जो है पत्थर के हैं। तो अंदर थोड़ा सा इसमें गंद पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई रहा नहीं है शायद। अदरवाइज आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डर भी लगता है इसके अंदर रहने में। ये पूरे का पूरा पत्थर से बनता है और इसको कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी मुश्किल से बनाया जाता है ये। तो इसमें मिट्टी का भी यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ पत्थर रखे गए हैं, एक दूसरे के पत्थर पर पत्थर रख के सपोर्ट दी गई है। तो फाइनली हम लोग आज घर जा रहे हैं। आज 5वां दिन था हमारा, तो हम लोगों ने कल सारी लेक्स जो थी नंदन सर वाली साइड की वो सारी एक्सप्लोर कर ली थी, तो सारी लेक्स हमारी कंप्लीट होगी। आज हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। पीछे सारा सामान पैक हो गया है, सब लोग रेडी हैं।
बस हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं घर के लिए। बस थोड़ा सा खाना पीना करेंगे और घर निकल लेंगे। यहीं तक था हमारा व्लॉग, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो वी आर गोइंग बैक, और जो जाने का रास्ता है वो काफ़ी डेंजरस है, बट चलो अब दिखा देते हैं आपको लास्ट व्यूज़।